गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग स्टार्ट करने से पहले हैंड वॉशिंग के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है एक मोस्ट सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम खुद को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट्स को भी क्या करते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं. ठीक है, तो मेनली हैंड्स क्या काम करते हैं, मेनली क्रॉस इन्फेक्शन का मेनली काम करते हैं हैंड्स. ठीक है, तो हम क्रॉस इन्फेक्शन से खुद को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेशेंट्स को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आगे देंगे. ठीक है, तो हैंड वॉशिंग इसमें से सबसे एक बेस्ट वे है, एक बेस्ट वे है, इफ़ेक्टिव वे है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन से खुद को भी बचा सकते हैं, पेशेंट को भी बचा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. फर्स्ट हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को हैंड वॉशिंग क्यों करनी चाहिए. ठीक है, एक इन्फेक्शन होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ठीक है, या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. ठीक है, ये कौन सा इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन तब होता है जब पेशेंट जो क्या है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है. ठीक है, पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो हॉस्पिटल की केयरलेस की वजह से, ठीक है, तो हॉस्पिटल की केयरलेस की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है, जब भी हम लोग उसे कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं, उस पर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं या उसे कोई भी केयर दे रहे होते हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनकी केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है, क्या हो जाता है, केयरलेसनेस की वजह से वो पेशेंट जो है इन्फेक्टेड हो जाता है. ठीक है, तो जब भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आकर इन्फेक्टेड होता है तो उसे हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, या अदर नेम उसका है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. ठीक है, तो इस तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए मेनली हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या करना चाहिए, हैंड वॉशिंग एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, जिससे क्या होता है, वे खुद को भी बचा सकता है, खुद को भी प्रिवेंट कर सकता है इन्फेक्शन से, और क्या है, जो पेशेंट है, ठीक है, उसको भी प्रिवेंट कर सकता है इन्फेक्शन से. ठीक है, तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, एन इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केयर इन द हॉस्पिटल. ठीक है, ये कब इन्फेक्शन कब होता है, जब भी हम लोग पेशेंट को क्या कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर केयर दे रहे होते हैं, तब ये जो इन्फेक्शन है वो पेशेंट को होता है. ठीक है, ये पेशेंट को मेनली क्या है, एडमिशन के टाइम पर भी हो सकता है. ठीक है, हम लोग जब भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं, जब भी कोई उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब भी हो सकता है. ठीक है, और ये लेकिन हम लोगों को दिखाई कब देता है, ये दिखाई हम लोगों को तब देगा जब पेशेंट क्या है वहाँ से डिस्चार्ज होने वाला होगा या डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं. ठीक है, तो इस तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या करना चाहिए, मेनली हैंड वॉशिंग जो प्रोसीजर है वो यूज़ में लेना चाहिए. ओके, तो डेफिनेशन ये थी. अब हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है, इससे कैसे प्रिवेंट, इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम खुद को भी और पेशेंट को भी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वैलिडेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैव बीन शोन टू रिड्यूस द HCAI. ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या है, जो भी वैलिडेटेड है, मतलब प्रूव्ड है साइंटिफिक तरीके से, जो भी प्रिवेंशन के तरीके WHO ने बनाए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कम कर सके हॉस्पिटल के अंदर. ठीक है, जो भी प्रूव्ड है, जो भी साइंटिफिक तरीके से WHO ने क्या किया, जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स बनाए हैं, उसको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर फॉलो करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम लोग क्या कर सके, कम कर सके. ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ HCAI कुड बी प्रिवेंटेड. ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली अगर हम लोग इन तरीकों को अपनाएं तो जो 50% जो भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं. ठीक है, मोस्ट सॉल्यूशंस आर सिंपल एंड नॉट रिसोर्सेज डिमांडिंग. ठीक है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलप्ड एज वेल एज इन द ट्रांजिशनल डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो सिंपल्स हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है.
ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम जो भी स्टैंडर्डाइज्ड और वैलिडेटेड जितने भी मेथड है उसको हमारे हॉस्पिटल के अंदर क्या कर सके, इम्प्लीमेंटेड कर सके, ठीक है, उसे लागू कर सकें, ठीक है, जिससे क्या हो सके, हम हमारी कंट्री को क्या, हमारी कंट्री को या हमारे हॉस्पिटल को, ठीक है, इस तरह के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं पेशेंट को भी और ख़ुद को भी, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी वैलिडेटेड और स्टैंडर्डाइज्ड जो भी मेथड है ना प्रिवेंशन के, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल के अंदर फॉलो करना चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो भी डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है, उससे हम लोग क्या कर सके, बच सके, ठीक है। 50% जितनी भी बीमारियां होती है वो इस तरीके से के मेथड अपनाने से कम हो सकती है, ठीक है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को ये तरीके अपनाने चाहिए। तो उन जो भी मेथड्स है उसमें से सबसे ईजीएस्ट मेथड, सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम हैंड्स को क्यों वॉश कर रहे हैं, वाई वॉश योर हैंड्स, ठीक है। हम सबसे पहले हैंड वॉशिंग क्यों कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर क्यों, हम बार बार क्यों हाथ धो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरह की, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है, ठीक है, किसी भी तरह से फैल सकती है, ठीक है, हैंड से भी फैल सकती है, स्नीजिंग कफिंग से भी फैल सकती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल सकती है, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मेनली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं हैंड वॉशिंग के तरीके से, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग इज़ अ सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, एक सिंगल और एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी है, एक पोलियो मलेरिया, ठीक है, जो डेंगू फीवर है, ठीक है, टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड फीवर है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, इन सब ये जो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, अगर हम लोग हैंड वॉशिंग अच्छे से और रेगुलर रखें तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैंड्स ट्रांसमिशन, ठीक है, हैंड ट्रांसमिशन से किस तरीके से बीमारियां फैल सकती हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि जो हैंड्स हैं वो क्या है, एक बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, एक व्हीकल है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जब किसी भी चीज़ को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो जितने भी पैथोजेंस है लाइक बैक्टीरिया और जो वायरस है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, हमारे हाथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ना, वो मेनली जो ट्रांसमिशन होता है इन पैथोजेंस का, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम लोगों ने टच किया है, तो दूसरे पेशेंट जो भी हेल्दी है, ठीक है, अगर हम लोगों ने वही इन्फेक्टेड पेशेंट का जो हैंड है, अगर उसको टच कर दूसरे पेशेंट पर टच करते हैं, दूसरे पेशेंट को टच करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वही चीज़ कि वो ट्रांसमिट हो जाएगी, उसका फर्स्ट पेशेंट का जो भी इन्फेक्शन है वो सेकंड पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये मेनली क्या होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स के थ्रू जो है होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, 5 चीज़ों के टाइम पर 5 जो स्टेप है ना, ठीक है, उनका ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हम इन हैंड ट्रांसमिशन के थ्रू जो है बैक्टीरिया और वायरस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने से बचा सके, ठीक है। तो वो 5 तरीके कौन से हैं, 5 तरीके ये हैं कि पहला, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, ठीक है, जब भी आप लोग क्या करेंगे, पेशेंट को टच करेंगे उससे पहले हैंड वॉशिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने पहले किस कंटेमिनेटेड थिंग को टच किया है, ठीक है। तो हम लोगों क्या करना है, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे ही लो है, अगर हम कोई भी इन्फेक्टेड अपने हैंड्स अगर उस पेशेंट के पास वापस लेकर जाएंगे, तो उससे उसकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है, और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए हम लोगों को पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ठीक है, अपने हैंड्स को क्लीन करना चाहिए। सेकेंड, बिफोर क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर, ठीक है, जब भी आप कोई भी प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले भी आपको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वो क्लीन और एसेप्टिक टेक्निक है जिससे हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कोई भी क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले हम लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। थर्ड, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क,
ठीक है, जब भी क्या है आप पेशेंट के कोई भी बॉडी फ्लूइड के साथ में एक्सपोज होते हैं, ठीक है, एक्सपोजर आता है, ठीक है, जैसे उसकी यूरिन के साथ में आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उसके ब्लड के साथ में, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम जो हेल्थ केयर वर्कर है खुद भी प्रिवेंट होता है, ठीक है, इन्फेक्शन से। इसके अलावा अगर जो भी और भी पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो भी प्रिवेंट होते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जो भी बॉडी फ्लूइड है उसके एक्सपोजर के बाद में हम लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है। फोर्थ, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, एक पेशेंट को टच करने के बाद में आप लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है, दूसरे पेशेंट के जाने से पहले और एक पेशेंट को टच करने के बाद में आपको हैंड वॉशिंग करनी है। और फिफ्थ, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, जो भी पेशेंट का जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसको टच करने के बाद भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। तो ये जो 5 स्टेप है, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आप जो है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से, ठीक है, पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके थे। अब व्हाई शुड यू क्लीन योर हैंड्स, आपको अपने हाथों को साफ रखने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, ये एक मेनली सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यों हम लोग हमारे हाथों को क्लीन रखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए और खुद को भी प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन से, ठीक है, खुद को भी प्रिवेंट करने के लिए और पेशेंट को भी प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से, इसलिए हम लोगों को अपने हाथों को क्लीन रखना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी क्या है पेशेंट को केयर दे रहा है, ठीक है, उसको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको सबसे पहले अपने हाथों का ध्यान रखना है, ठीक है, अपने हैंड हाइजीन का, अपनी हैंड्स के केयर का ध्यान रखना है, ताकि वो खुद को भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके और पेशेंट को भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर है। फर्स्ट पॉइंट, एनी हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, केयर गिवर और पर्सन इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर नीड टू बी कंसर्न अबाउट हैंड हाइजीन, ठीक है। जो भी हेल्थ केयर वर्कर है या जो भी केयर गिवर है जो पेशेंट को केयर दे रहा है उसको सबसे पहले अपने हाथों की हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देयर फॉर हैंड हाइजीन कंसर्न्स यू, क्यों, क्योंकि अगर वो खुद के हाथों का ध्यान रखेगा तो वो खुद का भी ध्यान रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ खुद के ऊपर भी आती है, ठीक है। तो अगर वो खुद का ध्यान रखेगा तो इससे वो दो चीज़ें जो है दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है, एक तो खुद को भी, ठीक है, अगर वो खुद का ध्यान रखेगा तो वो किन चीज़ों से बच रहा है और बचा रहा है, एक तो खुद को भी वो इन्फेक्शन से बचा रहा है, ठीक है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस है उससे वो खुद को भी बचा रहा है और क्या है पेशेंट को भी, प्रोटेक्ट द पेशेंट, और वो क्या कर रहा है दूसरे पेशेंट्स को भी उन इन्फेक्शन से, उन बैक्टीरिया और वायरस से प्रिवेंट कर रहा है। इसलिए हम लोगों को क्या है अपने हाथों को क्लीन रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हैंड वॉशिंग कैन प्रिवेंट, अब जो मेनली जो हैंड वॉशिंग है, जैसे कि आपको फर्स्ट में बताया गया था कि हैंड वॉशिंग क्या कर सके, सबसे पहले हैंड वॉशिंग एक ईजिएस्ट मेथड है जिसमें हम लोग क्या है इफेक्टिव मेथड है जिसमें क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग क्या कर सकती है, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ठीक है, शिगेला, ठीक है, शिगेला जो भी है, स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़, ठीक है, इनसे क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से हाथ धोने से हम इन जितने भी बीमारियाँ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे खुद को और पेशेंट को दोनों को बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द 10 most common way टू स्प्रेडिंग डिजीज आर द 10 fingers, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी हैंड हाइजीन है, जो भी हैंड वॉशिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, अपने पूरे हाथों को लेकर चलना है, ठीक है, जिसमें हैंड्स आ जाते हैं, फिंगर्स आ जाते हैं, थंब आ जाता है, रिस्ट आ जाती है, इन सभी चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। इससे ही हम लोग क्या करते हैं, हैंड हाइजीन कहते हैं, ठीक है। अब हाउ टू क्लीन योर हैंड्स, अब आप अपने हाथ कैसे क्लीन करेंगे, ठीक है, जस्ट क्लीन करने की बात हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो एक होता है क्लीनिंग का प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, हैंड रब यूज़ में लेते हैं, ठीक है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपने सैनिटाइज़ वगैरह करते हैं अपने हाथों को, तो हम लोग जो भी सॉल्यूशंस लेते हैं, ठीक है, उसको जस्ट हम लोग हैंड्स पर रब कर लेते हैं जिससे हम लोगों के हाथ क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस टाइम नहीं होगा जब आप लोगों के हाथ गंदे हैं, कोई भी डस्ट है, ठीक है, तो जो भी डस्ट है अगर आपके हाथों में विजिबल जो आपको दिखाई देती है, ठीक है, तो अगर आपको डर्ट क्या है, जो भी डस्ट है अगर वो विजिबल होती है तो उस सिचुएशन में आप लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है। जबकि जो भी अगर आप लोगों ने एक बार हैंड वॉशिंग कर ली है और जो
जो भी गंदगी है अगर आपके हाथों पर विजिबल नहीं होती है तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, हैंड रबिंग के थ्रू, ठीक है, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो है उसका यूज़ कर सकते हैं और हैंड रबिंग करके अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आई अपने हाथों को क्लीन करने की बात, कि हाउ टू क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। तो है जो भी अल्कोहल बेस्ड जो हैंड रब्स हैं वो हम लोग यूज़ में लेते हैं अपने रेगुलर रूटीन के अंदर, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हैंड्स को क्लीन रख सकें, जो हम लोगों को जो भी मेनली जो भी बैक्टीरिया और वायरस है जस्ट उनको किल करने के लिए, ठीक है। जबकि जो हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर होता है वो होता है सोप और वाटर से, ठीक है, और ये तब होता है जब क्या है, जो भी विजिबल आपको कुछ भी चीज़ जो भी सॉइल्ड, ठीक है, विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, जो भी डर्ट है जो भी डस्ट है आपको विजिबल हो रही है अपने हैंड्स के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं सोप और वाटर से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की है हाउ टू क्लीन योर हैंड्स, ठीक है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड रबिंग करके अपने हैंड्स को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू मतलब हैंड रबिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हैंड रबिंग हाउ टू हैंड रबिंग, ठीक है, तो हैंड रबिंग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये जो हैंड रबिंग का प्रोसीजर होता है ये मेनली होता है 20 to 30 seconds के लिए, सॉरी 30 seconds के लिए मेनली होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वही 7 steps फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, हैंड्स को क्लीन करके रखते हैं, जो मेनली क्या होता है, कम कर देता है जितने भी जर्म्स है जो भी बैक्टीरिया और वायरस है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देता है हैंड रबिंग के प्रोसीजर से, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोगों को करना है, 7 steps जैसे कि पता है आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट के अंदर हैंड रब यूज़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने अप्लाई किया हैंड रब को, सबसे पहले पाम टू पाम, ठीक है, बैक ऑफ द पाम, ठीक, इंटरलेस इंटरलॉक, ठीक है, देन थंब इन रोटेटिंग मैनर, फिंगर टिप्स ऑन द पाम रिस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हैंड रब को अप्लाई किया, मेनली 20 से 30 सेकंड के लिए आप लोगों को हैंड रब को अप्लाई करना है अपने हाथों को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग मेनली आपको 40 टू 60 सेकंड के लिए अप्लाई करना है, वो ही 7 steps के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि लास्ट में आप लोगों को अपने हैंड्स को ड्राई करना है, ठीक है। तो टू इफेक्टिवली रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ जर्म्स ऑन हैंड्स, हैंड वॉशिंग मस्ट लास्ट 40 to 60 seconds, ठीक है। जो भी ग्रोथ है जर्म्स की उसको हैंड पे से कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 40 to 60 seconds के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर परफॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, बेसिन के अंदर टैब ऑन किया, अपने सबसे पहले हैंड्स को वेट किया, वेट करने के बाद में आप लोगों को लेदर बनाना है सोप से, ठीक है। सबसे पहले पाम टू पाम, देन बैक ऑफ द पाम, ठीक है, पाम टू पाम, बैक ऑफ द पाम, इंटरलेस द फिंगर, इंटरलॉक द फिंगर, ठीक है, थंब, उसके बाद में आप लोगों को फिंगर टिप्स ऑन द पाम पे करना है, देन रिस्ट जाएगा, और उसके बाद में आप लोगों को प्लेन वाटर से आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, जिसमें आपके फिंगर्स जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में होंगे, ठीक है। तो और उसके बाद में हैंड्स को ड्राई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल हैंड रब्स, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, हम लोग अल्कोहल हैंड रब्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्यों इफ़ेक्टिव है हमारे हैंड क्लीनिंग करने के पर्पज़ से क्यों इफ़ेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी अल्कोहल हैंड रब्स हैं, ठीक है, वो अल्कोहल बेस्ड है, उसके अंदर अल्कोहल मिली रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है, ये क्या है, जो भी बैक्टीरिया और जो वायरस है उसको किल कर देते हैं, ठीक है, हमारे हैंड्स के ऊपर से, या आप कोई सी भी साइड पर अगर उसे अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम के अंदर वो क्या कर देते हैं, वहाँ की ऊपर जितनी भी बैक्टीरिया वायरस है उसको क्या कर देते हैं, जर्म्स है उसको किल कर देते हैं। कैन बी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते, उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको एक जगह पे प्लेस कर लो, वहीं से आप लोग क्या है उसे यूज़ में ले सकते हो। रेडिली एक्सेसिबल मतलब कि आप लोग क्या कर सकते हो, उसको ले सकते हो काम के अंदर, ठीक है, हर जगह अवेलेबल रहता है, ठीक है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, तो आप उसे काम में ले सकते हो। मल्टीपल साइट्स के अंदर आप कहीं भी यूज़ में ले सकते हो, जहाँ भी पेशेंट के, ऑल पेशेंट केयर एरियाज, ठीक है, जब भी आपको केयर करनी है पेशेंट के कोई भी एरिया के अंदर, वहाँ पर आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। बहुत जल्दी जो है वो एक्ट करता है उस जगह पर, ठीक है, बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है। बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी का मतलब वो वहाँ पर जितने भी जर्म्स है जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या कर देगा, किल कर देगा,
ठीक है, लेस इरिटेटिंग, ठीक है, ज़्यादा इरिटेट भी नहीं करता है, और इम्प्रूवमेंट फ्यूचर के लिए भी मतलब सही है कि आप जो है आप क्लीनिंग करके और अपने हैंड्स को यूज़ में ले सकते हो, तो सस्टेन इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। तो अल्कोहल हैंड रब्स जो है वो क्लीनिंग पर्पज से ज़रूरी होता है। रिमेंबर टू वॉश फॉर 20 सेकेंड, ऑलवेज़ यूज़ सोप एंड वाटर, ठीक है। आप लोगों को जब भी क्या करना है अपने, ये था क्लीनिंग का, जब भी आप लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है 40 सेकेंड्स तक या मिनिमम 20 सेकेंड्स तक आप लोगों को क्या करना है, सोप और वाटर से अपने हैंड्स को वॉश करना है, ठीक है। अब समरी, समरी में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी, जो भी नोजोकॉमियल इन्फेक्शन था या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन था, ठीक है, वो क्या कर देता है, वो एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होता है जिसमें हम लोग को क्या कर, जो भी पेशेंट रहता है उसके ऊपर बहुत ही सीरियस इफेक्ट डालता है, सीरियस इफेक्ट डालता है, और ये मेनली क्या है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, उनके हैंड्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो सेकेंड हम लोग को क्या करना है, एक गुड हैंड हाइजीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब गुड हैंड हाइजीन, हैंड्स क्लीनिंग पे या फिर हैंड वॉशिंग से, अच्छे तरीके से हैंड वॉशिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी पेशेंट्स हैं और खुद की भी क्या कर सकते हैं, लाइफ को बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 तरीके देखे थे, ठीक है, कि 5 स्टेप्स देखे थे, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को टच करने से पहले भी हैंड वॉशिंग मतलब हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, ठीक है, पेशेंट को टच करने के बाद भी हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसके कोई भी फ्लूइड के साथ में जो बॉडी फ्लूइड है उसके एक्सपोजर के टाइम पर भी हम लोग क्या करते हैं, हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले भी हम लोग हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसके सराउंडिंग एरिया को टच करने के बाद भी हम लोग हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं। तो अगर इन 5 स्टेप्स को अगर हम लोग हैंड हाइजीन के 5 स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो करें, ठीक है, इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, लागू करें अगर रेगुलरिटी में, तो हम लोग जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है या नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है उससे हम लोग खुद को भी, ठीक है, और एज वेल एज हम लोग पेशेंट को भी क्या कर सकते हैं, उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समरी के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी। अब नेक्स्ट आता है कि कब आप लोगों को हाथ धोना चाहिए, व्हेन शुड यू वॉश योर हैंड्स, ठीक है, कब आप लोगों को हैंड वॉशिंग या हैंड क्लीनिंग करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, किस किन चीज़ों से पहले हैंड वॉशिंग या हैंड क्लीनिंग करेंगे, जब भी आप कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, खाना बना रहे हो, उससे पहले अगर आपने किसी भी पेशेंट को केयर दी है, ठीक है, उसको आपने ड्रेसिंग करी है, कट या वुंड के वो ट्रीट किया है, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया है, तो उससे पहले आप लोग हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है, कोई पेशेंट जो है सिक है, ठीक है, बीमार है, ठीक है, अगर तो आप लोगों को उस टाइम क्या करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। जब भी आप कोई भी लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं अपनी आँखों के अंदर, ठीक है, तो उसके पहले भी आप लोगों को क्या करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप लोगों की फिंगर्स आपके माउथ या आइज के अंदर जो है हम लोग कॉन्टैक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, आँखों को क्लीन करने से पहले, खाना खाने से पहले, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोगों को क्या करना है, हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बाद हम लोगों को हैंड वॉशिंग करनी, वॉशरूम यूज़ करने के बाद में, ठीक है, गो टू द बाथरूम, ठीक है, जब भी आप लोगों ने क्या किया, कोई भी अनकुक हैंडल किया, अनकुक्ड फूड हैंडल किया, लाइक मीट है, ठीक है, कच्चा मीट है, ठीक है, कोई भी फूड आइटम्स है वो अनकुक्ड है, ठीक है, उसको अगर आपने हैंडल किया है, पकड़ा है, तो क्या करेंगे, उसको लाने के बाद में आप लोग हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक है। स्नीजिंग, कफिंग के बाद भी आप लोग क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे। कोई भी गार्बेज, कोई भी कचरा वगैरह है, ठीक है, अगर आप उसको फेंकते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं, तो उसके बाद भी आप लोग हैंड वॉशिंग करेंगे। अगर कोई सिक है और आप उसका डायपर चेंज करने के टाइम पर भी आप लोग उसे हैंड वॉशिंग करेंगे। आप लोगों के जो भी घर में पेट्स हैं उसके साथ खेलने के बाद और उसको टच करने के बाद भी आप लोग क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे। तो ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि बिफोर और आफ्टर कब कब आप हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है करेक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक। हैंड वॉशिंग टेक्निक मिनिमम 40 सेकेंड के लिए और मैक्सिमम मिनिमम 20 सेकेंड के लिए और मैक्सिमम 40 सेकेंड के लिए आप लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है। किससे करनी है, सोप और वाटर से हैंड वॉशिंग करनी है। किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो आप लोगों को वेट हैंड्स विथ वार्म रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है, ठीक है, गीला करना है, वेट करना है,
ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, सोप ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को रब करने हैं हैंड्स को एक साथ, ठीक है। और आपको सोपी लेदर बनाना है, ठीक है, झाग बनाना है, रब करेंगे आपको झाग बनाना है। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, फ्रंट पाम को रब करेंगे, बैक को रब करेंगे, इंटरलेस फिंगर के बीच में रब करेंगे, इंटरलॉक करेंगे ताकि हमारे जो फिंगर टिप्स हैं, ठीक है, वो क्लीन हो जाए। उसके बाद में क्या है, आप लोग थंब को रोटेटिंग मैनर में क्लीन करेंगे, जो भी आपके फिंगर टिप्स है उसको पाम में पाम के थ्रू क्लीन करेंगे ताकि जो भी नेल्स के अंदर आपके डर्ट है वो आप लोग क्या है वहाँ से रिमूव हो सके। उसके बाद में रिस्ट को आप लोग क्या करेंगे, वॉश करने के बाद में जो भी नॉर्मल 20 सेकेंड्स तक ये क्लीनिंग प्रोसेस के बाद में आप अपना क्या कर लेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, रनिंग वाटर के अंदर, जिसमें आपके जो हैंड्स हैं वो डाउनवर्ड के अंदर रहेंगे, ठीक है, ताकि जो भी लेदर है जो पानी के थ्रू क्या है बेसिन के अंदर चल जाए। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपने हैंड्स को ड्राई करना है, क्लीन करना है टॉवेल या टिश्यूज़ के थ्रू, ठीक है। और जो भी आपको टॉवेल है उसी से आपको क्या करना है, वाटर का जो टैब है वो बंद करना है। इस तरीके से आप लोग करेंगे करेक्ट हैंड वॉशिंग, ठीक है। हैंड केयर, हैंड केयर के टाइम पर आप लोगों को अपने नेल्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप लोग हैंड केयर करते हैं आपको अपने नेल्स का भी ध्यान रखना है, अपने रिंग्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हैंड क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, जो भी कट और एब्रिविएशंस है उसका भी मेनली ध्यान रखना है, जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक टू कवर योर कफ एंड स्नीक्स, ठीक है। जब भी मेनली ये एक नॉर्मल है कि जब भी आप लोग क्या करते हैं डायरेक्ट हैंड्स, जब भी आप कफिंग या स्नीजिंग करते हैं तो अपने हैंड्स के थ्रू नहीं करेंगे, कोई भी टिश्यू है, ठीक है, या कोई भी टिश्यू के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी नोज़ को या माउथ को कवर करेंगे स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पर। और आफ्टर यूजिंग द टिश्यू यू कैन पुट दैट टिश्यू इन दी वेस्ट बास्केट, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि जब भी आपने यूज़ कर लिया उसके बाद में आप जो वो टिश्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, डस्टबिन के अंदर या वेस्ट बास्केट के अंदर हम उसे क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं। हैंड हाइजीन इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चला कि हैंड हाइजीन, हाथों का ध्यान रखने से मेनली क्या है, हम जितने भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है या हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहे हैं पेशेंट को और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को भी, फैमिली को भी और जो पेशेंट है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज मस्ट वॉश हैंड्स बिफोर रिटर्निंग टू वर्क, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, वो क्या करे, घर पर जाने से पहले भी हैंड वॉशिंग करे और घर पर जाने के बाद भी हैंड वॉशिंग करे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग का प्रोसेस हमने देखा जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं ये आप लोगों को नॉर्मली रूटीन के अंदर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।